दीपिका नेगी, चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर के चरागांव में किसान मेला का शुभारंभ करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र ईमानदारी से किसान हित में काम कर रहे हैं, तो वहीं स्वार्थी लोग किसान के कंधों पर बंदूक रखकर अराजकता फैला रहे हैं। लोग जानते हैं कि ये किसके इशारे पर हो रहा है। सत्ता में रहते हुए इन्होंने किसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया, ना ही किसानों के हित में कोई काम किया है। इन्होंने ना कर्ज माफी की और ना ही खेती में पानी पहुंचाया है। योगी ने कहा कि निहित स्वार्थी लोग केंद्र और प्रदेश द्वारा संचालित की जा रही किसानों की योजना में बाधा पहुंचा रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद किसान पहली बार राजनीति के एजेंडे से बने हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम है और कि हर क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है। स्वाय कार्ड और MSP डेढ़ गुना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कर्ज माफी से किसानों को लाभ हुआ है, किसान फसल योजना को सरलीकृत किया गया है, इससे किसान के साथ बटाईदार को भी शामिल किया गया है, 5 लाख के बीमा का कवर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कृषि महाविद्यालय के प्रांगण में 20 करोड़ की लागत से छात्रावास का शिलान्यास भी किया है। तो गोरखपुर में किसान मेले का आगाज हुआ है और इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहां पर बृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों की को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। भाइयों बहनों, सॉयल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, या लागत का 1.5 गुना MSP किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर MSP के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को MSP का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो, या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो, एक साथ तमाम प्रकार की योजनाओं को सरकार ने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के लिए ही लागू किया है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक गुमराह कर किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके सारे पे काम कर रहे हैं।
जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, न मृदा परीक्षण का कार्य किया, न कोई उनके लिए फसल बीमा की सुरक्षा की योजना लाई गई, न कोई किसानों के लिए कृषि सिंचाई की योजना उनके समय में आई थी, न प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उनके समय में आ पाई थी, न किसानों के कर्ज ही माफ हो पाए थे, न एफपीओज की बात उन्होंने की, हर खेत को पानी देने की बात भी कभी नहीं की। लेकिन उस सब के बावजूद वे चंद लोगों के इशारे पर, किसान भाइयों के हितों के लिए चलाई जाने इन योजनाओं में कैसे बाधा पैदा की जाए, आज इसके लिए उन्होंने दुष्प्रचार का